हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अगर आप एसएससी जीडी या फिर यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इन दोनों की अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि विलोम शब्द एक ऐसा टॉपिक है जो कि इन दोनों ही एग्ज़ामों में पूछा जाता है। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है जो प्रीवियस ईयर रहे हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, लगातार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने पीपीटी के माध्यम से सारे क्वेश्चन को लिया है और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी लिया है जो मुझे लग सकता है कि ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इससे बाहर आपका विलोम शब्द तो नहीं जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पीडीएफ में शेयर कर दूंगा फ्री वो भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है प्रवृत्ति का, इसमें से सही विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो प्रवृत्ति का विलोम जो निवृत्ति होता है, बट अगर आप पहले ऑप्शन पर देखो तो निवृत्ति ऐसे लिखा नहीं जाता है, ऐसे भी नहीं लिखा जाता, ऐसे भी नहीं लिखा जाता। निवृत्ति जो लिखा जाता है वो करेक्ट ऑप्शन 4 में लिखा है, यही आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्तनी भी आप समझ सकते हैं निवृत्ति का ऐसे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अगर, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक तरफ ये शब्द लिखे हैं और इस तरफ इसके विलोम में लिखे हुए हैं। हमको क्या करना है, किसका सही विलोम शब्द है ये हमें बताना है। जैसे अगर मैं बात करूं उर्वर का, आपसे विलोम पूछ रहा है, तो उर्वर का विलोम तो भाई ऊसर होता है, तो पहले का पहला एकदम सही लिखा है। और अगर मैं बात करूं बंजर का, तो बंजर कहते हैं ना कि बंजर जो भूमि है या फिर उपजाऊ है, तो ये भी सही है। मतलब अगर मैं ऑप्शन चल जाऊँ तो ए का फर्स्ट और बी का टू, ए का फर्स्ट बी का टू, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होने की उम्मीद है, बट मैं आगे बढ़ूँगा। और अगर जो मैं बात करूँ गरिमा का, तो गरिमा का क्या होता है, लघिमा होता है, मतलब सी का 4, तो जी हाँ यही ऑप्शन आपका सही हो रहा है। और आग्रह का क्या होगा, दुराग्रह होगा, तो आप देख सकते हो कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया, आपको ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से कुछ जो इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है उसको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे हर्ष का शोक होता है विलोम, शुष्क का आद्र, जस्ट आप सुन लीजिए आप भूलेंगे नहीं, पूरी गारंटी है। वरदान का अभिशाप होता है, रक्षक का भक्षक होता है। और हो सके तो मेरे साथ बोलिए आप इस चीज़ को, आप भी रीड करिए, आप भी बोलिए, ठीक है। यही आप मतलब जो दो बार बोल लोगे इस चीज़ को, जैसे मैं जब देखता हूँ तो रुग्ण का मेरे दिमाग में तुरंत स्वस्थ आता है, मूक का वाचाल तुरंत आता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रीड किया है। तो ऐसे भी आपको भी रीड करना है, शगुन का निर्गुण, यश का अपयश, ठोस का तरल, बंधन का मुक्ति, नूतन पुरातन, निरक्षर साक्षर, सुलभ दुर्लभ, ये सारे विलोम शब्द हो गए। और अगर जो मैं बात करूँ क्रय विक्रय, ये तो आपको पता ही होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में गंवार का विलोम शब्द क्या होगा। तो गंवार का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा, गंवार का विलोम आपका हो जाएगा अल्पज्ञ तो होगा नहीं, है ना, और मेधावी हो सकता है, मेधावी और उत्कृष्ट भी नहीं होगा। हाँ एक मिनट, हाँ तो मेधावी तो होने से नहीं रहा, क्योंकि मेधावी का गंवार से खास कोई लेना देना नहीं, उत्कृष्ट ये भी नहीं होगा। तो गंवार इसका जो मेरे हिसाब से होना चाहिए विलोम शब्द वो आपका नागर होना चाहिए, क्योंकि गांव से संबंधित है और नागर मतलब नगर से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। अब देखिए अन्य जो विकल्प दिए हुए थे यहाँ पर, आप देखो अगर अन्य विकल्प आपको दिए हुए थे, ये देखो जैसे अल्पज्ञ दिया था मेधावी, इसका मतलब समझ लेते हैं। अल्पज्ञ का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा, मतलब जो कम जानकार हो उसको अल्पज्ञ, बहुज्ञ मतलब जो ज़्यादा जानकार हो। मेधावी का विलोम अज्ञानी, मेधावी मतलब जिसके पास ज़्यादा जानकारी हो और अज्ञानी मतलब जिसके पास कम हो। उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि ये सब ऑप्शन से क्यों हट रहे थे, ठीक है, क्योंकि इन सब का विलोम अदर ही कुछ होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है आर्स, आर्स इनमें से किसका विलोम है। आर्स का जो विलोम होता है वो आपका जो इसका करेक्ट होगा, आप खुद से भी सोच सकते हैं, अनार्स होगा। क्या होगा, आर्स का अनार्स होगा, ठीक है। इसका मतलब भी समझ लेते हैं, आर्स का अर्थ होता है ऋषियों द्वारा बनाया हुआ, और अनार्स का जो होता है मतलब वो होता है जो ऋषि काल में ना बना हो, मतलब जो चीज़ ऋषि द्वारा ना बनाई गई हो या उनके काल में ना बना हो उसका मतलब अनार्स होता है, ठीक है। तो आर्स का अनार्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य आपको महत्वपूर्ण इसमें विलोम शब्द और भी दिए हैं, देख लो। जैसे ये शब्द है, इधर शब्द हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, ठीक है, इधर साइड।
देखते हैं, समझते हैं क्या है। अल्पायु का विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घायु। कहते हैं ना कि आप दीर्घायु हो तो, या फिर अगर श्राप देना हो तो अल्पायु बोल देंगे, ठीक। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? विराग। अनुराग मतलब प्रेम करना, विराग मतलब ना करना। उत्कर्ष का अपकर्ष, मेरे साथ बोलो, आदि का अंत, उत्थान का पतन हो जाएगा, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा, और अनुज का अग्रज हो जाएगा, आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। आई थिंक आप चीज़ों को समझ रहे होगे और समझ के एंजॉय भी कर रहे होगे। और सक्रिय क्या क्या हो जाएगा? कोई बहुत सक्रिय है, कोई बहुत निष्क्रिय है नेतागिरी में। क्षणिक का क्या हो जाएगा? शाश्वत। क्षणिक मतलब जो कम समय के लिए हो, शाश्वत मतलब जो लंबे समय के लिए हो। अगला पूछा जा रहा है क्वेश्चन जो है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नांकित निम्न शब्दों में से कह रहा है कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है ना, मतलब कौन सा सही नहीं है। अब अगर जो मैं ऑप्शन पे जाऊं तो सुशासन, कुशासन, ये तो सही विलोम मुझे लग रहा है, ठीक है। अज्ञ, अज्ञ का विज्ञ होता है, तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सही हो जाएगा, क्योंकि अज्ञ का विज्ञ होता है। अभिमानी का निराभिमानी सही है। हयादार, बेहया मतलब जो शर्म हो जिसके अंदर, बेहया मतलब जो शर्म ना हो, तो बाकी सब तो सही है, अज्ञ का विज्ञ होगा। चलिए अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। हाँ, ये देखिए दिया हुआ है कि अज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? विज्ञ होता है। अनभिज्ञ क्या क्या होता है? अभिज्ञ होता है। मैं इस बात से अनभिज्ञ था, मतलब जानकारी मुझे नहीं थी, और अभिज्ञ का क्या मतलब होगा? कि मैं जानकार था, ठीक है ना। दोनों बात समझ गए होगी। तो अज्ञ का, विज्ञ का। संतापी, सॉरी, सन्यासी का जो विलोम शब्द पूछा जा रहा है वो क्या होगा, ठीक है। तो सन्यासी क्या होता है? सब कुछ घर और सब कुछ त्याग देता है, जबकि गृहस्थ जो होता है उसके पास घर होता है। तो सन्यासी का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे जो कुछ हैं बातें उनको समझ लेते हैं, कुछ एडिशनल बातें। जैसे बहिरंग का क्या होगा? अतरंग होगा, ठीक है ना। बहिरंग, अतरंग, ये सब क्या हो जाएंगे? विलोम शब्द हो जाएंगे। यही मैं बात करूं, वितल का क्या हो जाएगा? विलोम, अतल हो जाएगा। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा। उत्थान का पतन, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। आई थिंक समझ रहे होंगे आप चीजों को। उर्वर, देखो ऊपर अब कुछ ऐसे होंगे जो रिपीट भी होंगे, है ना, जो इंपॉर्टेंट है मैंने 2-3 बार डाल दिया ताकि रिपीट हो। उर्वर, अनुर्वर, उपजाऊ जो उपजाऊ ना हो। अंतरंग, बहिरंग, केंद्रित, विकेंद्रित, अवर, प्रवर, कृष्ण, शुक्ल हो जाएगा। आकर्षण, विकर्षण, ये सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं भाई। ग्राम का विलोम, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम का विलोम विशिष्ट हो जाएगा। ग्रास का मोक्ष हो जाएगा। एकांगी, सर्वांगीण हो जाएगा। कुकृत हो जाएगा शाकृत, है ना, समझ गए हो कि। अगम, अगम का आपसे पूछा जा रहा है कि अगम का विलोम शब्द क्या होगा। तो अगम का जो विलोम होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सुगम, है ना। अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं, अगम और सुगम, ठीक है। चलिए देखिए, अगम का विलोम क्या हो गया, सॉरी, जो अगला जो इसमें ऑप्शन था जैसे निर्गम था, तो निर्गम का विलोम क्या होगा? अन्य जो विकल्प है उनको देख लेते हैं। अगम का मैंने बता ही दिया आपको, और निर्गम का विलोम होगा वो आगम होगा, अगम नहीं होगा, आगम होगा, ठीक है, समझ गए। और अधम का विलोम उत्तम होगा। अधम मतलब जो एकदम नीच हो, बेकार हो, और उत्तम मतलब जो अच्छा हो, श्रेष्ठ हो। अक्षम का क्या हो जाएगा? सक्षम हो जाएगा, ठीक है, ये आपका विलोम हो गया। और अन्य भी कुछ समझ लेते हैं शब्द विलोम, जैसे आदान प्रदान ये सब जानते हो गए, उपसर्ग परसर्ग होगा, दाता शूम होता है दाता का, प्रमुख का जो विलोम होगा वो गौड़ हो जाएगा, ठीक है, योग का वियोग हो जाएगा, ठीक, समझ रहे होगे। कहीं कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा। इनमें से कौन सा शब्द युग्म है जो विलोम के आधार पर गलत पूछा जा रहा है? तो आलोक, प्रकाश और अंधकार आपका क्या है? उल, अंधकार मतलब अंधेरा, तो ये तो विलोम मतलब ये तो सही बात है। हमें पूछा है कि कौन सा गलत है, ठीक है। गगन, पृथ्वी, ये भी कुछ हद तक सही है, और तो ये भी नहीं होने से रहा। और जागरण, जाग मतलब जग रहा है, निद्रा मतलब सो रहा है, ये भी सही रहा, मतलब ये भी नहीं होगा ऑप्शन। हाँ, स्वर्ग का क्या हो जाएगा? नरक होगा, यहाँ पर देवलोक दिया है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अन्य भी चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे यश का अपयश होता है, और शगुन का क्या हो जाएगा? मेरे साथ बोलो निर्गुण। मूक का वाचाल ऊपर आया था, रुग्ण का स्वास्थ्य, रक्षक, भक्षक, वरदान, अभिशाप, देखो कितना इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें। शुष्क का आद्र, पता नहीं कितनी बार पूछा गया। हर्ष का शोक होता है। क्षणिक का मतलब कम समय के लिए, शाश्वत मतलब ज़्यादा समय के लिए। विधि का क्या होता है? निषेध होता है, कई बार पूछा गया भाई। विधवा का विलोम, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। सदवा, शयन का जागरण, सो रहा है, जग रहा है, ठीक है, समझ गए होगे। चलो कुटिल का विलोम अगर आपसे पूछा जाए, कुटिल का क्या होगा? तो कुटिल का मृदु से कोई लेना देना नहीं, कोमल से भी लेना देना, मधुर से भी नहीं। तो कुटिल का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं,
लिप्त का विलोम आपसे पूछा जा रहा है ना, इसमें से कुछ विलोम शब्द पूछा है। तो लिप्त मतलब जो किसी काम में लिप्त हो, और निर्लिप्त मतलब जो लिप्त ना हो। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, लिप्त अनिर्लिप्त हो जाएगा। ठीक, ओके। अन्य विकल्प देख लेते हैं अन्य चीज़ों को, जैसे अब देखो उन्नत का विलोम पूछा जाए तो अवनत हो जाएगा, भिज्ञ अनभिज्ञ हो जाएगा, सधर्म अधर्म हो जाएगा, अनाहूत का आहूत हो जाएगा, बहिरंग अतरंग देखो कितनी बार आ गया, शाश्वत क्षणिक, प्राचीन अवर्चीन, अब तो कुछ आपको याद होने लगा होगा कि पूरी गारंटी है। ठीक है, निरालंब अगर मेरे साथ बोल रहे होगा, निरालंब का क्या हो जाएगा, अवलंब हो जाएगा, उपकार अपकार हो जाएगा, अतुकांत का हो जाएगा, तुकांत हो जाएगा, है ना, पक्का है कुछ ना कुछ तो आपको याद हो ही गए होंगे जो रिपीट हो रहे हैं। अगला तो पूछा है कौन सा इसमें जो विलोम है वो सही नहीं है, अगेन आपसे पूछा जा रहा है, तो भूगोल का क्या है, खगोल, ये तो एकदम सही है, तो ऑप्शन के आंसर के हिसाब से ये सही नहीं होगा। अनुराग विराग ये भी एकदम सही अपोजिट है, बट आंसर के हिसाब से नहीं सही है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, और जय पराजय ये भी ऑप्शन के हिसाब से मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये गलत है, बट विलोम जय का पराजय ही होता है। अब शुभ का अशुभ होता है, यहाँ पर अनिष्ट दिया है, तो ये सही विलोम नहीं है, बट आंसर यही होगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। शुभ का विलोम शब्द अशुभ होता है, शुभ अशुभ सही विलोम युग्म बनाता है, सही है। शुभ का अर्थ मंगल में मंगलकारी या फिर कल्याण कर, है ना, अशुभ का अमंगलकारी या फिर अनिष्ट का, अनिष्ट का जो अर्थ होता है अशुभ का अर्थ होता है अमंगलकारी, अनिष्ट का होता है अवांछित। ठीक है, आई थिंक आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। आगे है पूछा जा रहा है ऐहिक का विलोम क्या होगा, है ना, ऐहिक, तो ऐहिक का नैसर्गिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, प्राकृतिक है नैसर्गिक, सात्विक से भी नहीं लेना। ऐहिक का जो सही विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पारलौकिक हो जाएगा, ऐहिक का क्या हो जाएगा, पारलौकिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से मतलब आपको बेस्ट अपोजिट्स देखना है, तो परकिया, परकिया का जो विलोम हो जाएगा वो देखो मिलते जुलते शब्द हैं, स्वकिया, परकिया का जो करेक्ट विलोम होगा वो क्या होगा, स्वकिया, बाकी इन सबसे कोई लेना देना इसका नहीं है। ठीक है, अब समझ लेते हैं ये परकिया स्वकिया का मतलब क्या है। स्वकिया होता है अपनी विवाहिता स्त्री या फिर पत्नी, उसको क्या बोलते हैं, स्वकिया, स्व मतलब वैसे भी अपना होता है, स्वकिया पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा या मित्र हो जाएगा। नायिका, नायिका का समानार्थी शब्द हीरोइन, प्रधान पात्र, है ना, विलोम क्या होगा, खलनायिका, नायक, हीरो, प्रधान पात्र, और ये जो लिंग है नायिका वो क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नायक, नायक समझ ही रहे होगे, समानार्थी, हीरो, प्रधान पात्र, विलोम जो हो जाएगा वो नायिका, खलनायक, नहीं ये नहीं होगा, हीरोइन कहाँ हो जाएगा, नायक का विलोम भाई। ठीक है, खलनायक जो है वो आपका क्या है, पुलिंग हो जाएगा। ठीक है, परकिया का क्या मतलब है, स्वकिया मतलब अपने से संबंधित था, परकिया का मतलब अपने पति के सिवाय दूसरे पुरुष से भी जो प्रेम करने वाली स्त्री होती है उसको क्या बोलते हैं, परकिया कहते हैं, और जो अपने से करे वो स्वकिया। वाक्य में प्रयोग, आजकल परकिया संख्या में वृद्धि हो रही है, वहाँ पर क्या बात है, ये जो परकिया है ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका निम्नलिखित में से वो जोड़ा आपको बताना है जो विपरीतार्थक नहीं है, है ना। अब आय का व्यय बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बट आंसर के हिसाब से गलत हो जाएगा। धर्म का अधर्म होगा, अधम नहीं होगा। गुरु का लघु, गुरु लघु सरल कठिन ये भी होगा, धर्म का अधर्म होता है भाई, तो मेरे हिसाब से यही ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा भी है धर्म का सही विलोम जो होगा वो अधर्म होता है, अधर्म का जो धर्म के विरुद्ध हो। ठीक है, अधम का, जबकि अधम का जो अर्थ होता है वो नीच होता है। ठीक है, अधम की बात मैं कर रहा हूँ, अधर्म नहीं। धर्म के पर्यायवाची शब्द जो है शास्त्रपूर्ण है, उपासना है, धार्मिक है, धार्मिकता है, आध्यात्मिक है, सच्चाई है, पवित्रता है, ये सब धर्म के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जड़ का, जड़ का जो आपसे विलोम पूछा जाए तो चेतन होगा, वक्ता का श्रोता होगा, उन्मूलन का रोपण होगा, आघात का प्रतिघात होगा, अनिवार्य का ऐच्छिक होगा, आवृत्त का अनावृत्त होगा। ठीक है, अज्ञ का विज्ञ होगा, आलोक का तिमिर होगा, और कृत्रिम का प्राकृतिक होगा, ये दोनों विलोम हो गए। अब ज्येष्ठ का आपसे अगर विलोम पूछा जाए, बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो ज्येष्ठ का जो विलोम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कनिष्ठ। मैं कम से कम समय में आपकी चीज़ों को समझाऊंगा, ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो कनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, कुछ अन्य विलोम शब्द जान लेते हैं, जैसे
अगज, अगज का जो विलोम होगा वो पूर्वज हो जाएगा। जड़ का चेतन बहुत इंपॉर्टेंट, वक्ता श्रोता उन्मूलन रोपण। अब ये देखो उन्मूलन कितनी बार मैंने रिपीट किया, पर यकीन मानो ये कई बार पूछा गया है। आघात का प्रतिघात होगा, ठीक है। ऐच्छिक का क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। आवृत्त का अनावृत्त हो जाएगा भाई, ठीक है। और विज्ञ का क्या हो जाएगा, अज्ञ। ये सब चीज़ें आपको अभी लर्न होने लगी होंगी। आलोक का देखो ऊपर आया था, तिमिर हो जाएगा। कृत्रिम का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। अर्थ आप समझ रहे हो गए, ठीक है। अगला आपसे पूछा जाए अकंटक विलोम शब्द बताओ, तो आप खुद से भी सोच सकते हैं अकंटक शब्द किससे संबंधित है। कंटक कंटकित है ना, तो अकंटक का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंटकित हो जाएगा। जबकि भयभीत सलज अनर्सैगिक सीन का कोई लेना देना नहीं है, क्लियर है भाई। चलो जड़ का विलोम अगर पूछा जाए तो जड़ का विलोम आपका क्या हो जाएगा, सिंपल चेतन हो जाएगा। ऊपर आ चुका है उन्मूलन रोपण, देखो यहाँ भी आ गया। वक्ता श्रोता, ये ना सोचो कि मैं जानबूझ के जो इंपॉर्टेंट है वो कई जगह हमें डाल दिया हुआ ना, ताकि वो आपको रिपीट हो जाए। आघात का विलोम प्रतिघात, मेरे साथ बोले अनिवार्य मतलब कंपल्सरी, अनैच्छिक मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब कह सकते हो डिजायर यू कैन, है ना। आवृत्त का अनावृत्त, अज्ञ का विज्ञ होगा, आलोक का तिमिर होगा, कृत्रिम का प्राकृतिक होगा, जानते ही हो आप। अनर्सैगिक आपका नैसर्गिक हो जाएगा, ठीक है। गौरव का विलोम पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, तो गौरव का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, लाघव होता है। लघुता से इसका कोला दोनों लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। और भी समझो, ऊसर का क्या हो जाएगा, उर्वरा, है ना। ऊपर देखो बताया था ना ऊपर मिलान शब्द में, यहाँ आपका रिवीजन हो गया। आस्तिक का नास्तिक, उत्कृष्ट का निकृष्ट, इहलोक परलोक, अमुखी बहुमुखी, कर्कश मतलब जो का अच्छा ना लगे, और वो मधुर हो जाएगा उसका विलोम। आदर्श का विलोम पूछा जाए यथार्थ हो जाएगा। गणतंत्र का अगर विलोम पूछा जाए परतंत्र होगा। कुसुम का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछा गया है, ज़्यादातर तो नहीं पूछा गया है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। तो कुसुम का वज्र हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादातर लोग को नहीं पता होगा। इनमें से सही आपसे विलोम पूछा जा रहा है, तो साँझ दोपहर कृपण सही विलोम आपसे पूछा जा रहा है ना। तो साँझ का जो विलोम होता है, साँझ का जो विलोम एक्चुअल में होता है वो होता है भोर, है ना। साँझ का विलोम क्या होता है, भोर। यहाँ तो दोपहर लिखा है तो ये तो होने से नहीं है। कृपण, कृपण का जो विलोम होगा वो आपका दाता होगा, है ना। कृपण मतलब होता है बहुत कृपण है, मतलब कंजूस है, और दाता मतलब देने वाले, तो बी वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अन्य अब चीज़ों से हम देखो, यहाँ पर लिखा भी है, सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है। सांझ का विलोम मैंने क्या बताया था, भोर बताया। शुष्क ऊपर लिखा था, शुष्क यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, शुष्क का जो विलोम होता है वो आर्द्र होता है, इस वजह से ये भी आपका गलत था। क्षुद्र का विलोम जो होता है, यहाँ पर क्षुद्र का विलोम जो होता है वो विशाल होता है, तो शुष्क का आर्द्र और क्षुद्र का विशाल हो जाएगा। इतनी बात समझ गए होगी। प्रसन्न का खेद होगा, प्रफुल्ल का ग्लान, है ना। प्रसन्न का क्या होगा, खेद होगा, और प्रफुल्ल का ग्लान हो जाएगा, ठीक, समझ गए। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कृष का विलोम पूछा जाए तो कृष का जो विलोम होता है वो होता है आपका स्थूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष का विलोम स्थूल, ठीक है। अब बात आती है इसका मतलब क्या है, तो चलो समझा देता हूँ। स्थूल शब्द कृष का विलोम होता है, ऊपर बताया। स्थूल वे पदार्थ जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण हो सके उन्हें स्थूल बोलते हैं, तो जो ना ग्रहण हो सके उन्हें क्या बोलते हैं, कृष बोलते हैं, ठीक है। जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण हो सके उन्हें स्थूल बोलते हैं। तनु का विलोम क्या होगा, पृथु होगा। उग्र का सौम्य होगा, सूक्ष्म का स्थूल होता है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके आगे बढ़िए। अब देखो कनिष्ठ का, अब तो ये इतनी बार आ चुका है भाई, अब मत करना। कनिष्ठ का वरिष्ठ, गुण का अवगुण, काम का आराम, गोरक्षक गोभक्षक, महल झोपड़ी, सदय निर्दय, विसिद्ध विहित निषिद्ध, ये भी पूछा गया कई बार। शाश्वत क्षणिक मतलब जो लंबे समय तक चले, क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए, उदय कोई चीज उदय हो रही है, अस्त हो रही है। दंड का विलोम जो होगा वो क्या होगा, क्षमा होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है, इसमें से पूछा है। तो रक्षक बच्चक ये तो सही है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत करना पड़ेगा क्वेश्चन के। आदि, हाँ ये अनादि का आदि नहीं होता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनादि का जो विलोम होता है वो आदि होता है, अनादि का क्या होता है, आदि होता है, ठीक है, जो नित्य चलता हो, ठीक है। और आदि मतलब जो खत्म हो गया। लालसा का विरक्ति भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इसमें से पूछा कौन सा सही युग्म नहीं है, तो एक मिनट
रात में वीडियो बना रहा हूँ ना, तो सेम मैन देखिए। हाँ, इसमें से पूछा कौन सा सही युग्म नहीं है, तो रक्षक का भक्षक, ये तो बात एकदम सही है। हाँ, ये तो बात एकदम सही है, कंफ्यूज मत हो भाई। सही नहीं है तो मतलब जो नहीं सही है उनको बताए, तो ये तो सही है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये गलत है, इस वजह से आंसर के हिसाब में से हो जाएगा। ठीक, लालसा का विरक्त भी होता है, ये भी सही होता है, और योगी का भोगी होता है, बट हमें गलत वाला बताना था, तो अनादि। अब इसका विलोम समझ लो, अनादि का जो विलोम एक्चुअल में होता है वो आदि होता है, ठीक है, और अनादि का अर्थ जो होता है वो नित्य होता है, कोई चीज़ अनादिकाल से चल रही है, ठीक है, मतलब नित्य चल रही है। आदि का जो अर्थ होता है शुरू होता है। अब अग्र का विलोम अन्य समझ लो, पश्च जानते हो, ऊर्ध्व का अधो, उद्धत विहित, ठीक है, ओके। एकाग्र का विलोम क्या हो जाएगा, चंचल। एकल का बहुल, उग्र का सौम्य, ऊपर कई बार आया। घन का तरल, घृणा का प्रेम, चढ़ाव का उतार, उतार चढ़ाव बोलते हैं ना, चलो भाई उतार चढ़ाव। निर्मल का क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा, निर्मल मतलब स्वच्छ, मलिन मतलब गंदा। पक्ष का विपक्ष, जंगम स्थावर, बहुत बार पूछा गया है जंगम स्थावर, ठीक है। चलिए अगला आपसे पूछा जा रहा है, उत्तरीय है ना, क्या लिखा है, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, तो इसका विलोम पूछ रहा है, तो उत्तरीय मतलब उत्तरीय का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा, कि मैं इसको शॉर्ट में करूँ ऑप्शन तभी दिखेगा, उत्तरीय का हो जाएगा, उत्तरीय मतलब उसके शरीर पर जो पूरा कपड़ा है, ठीक है, तो टोपी का इससे लेना देना नहीं, साड़ी से भी कोई लेना दे, अधो वस्त्र मतलब जो पूरे शरीर पर कपड़ा हो उसको उत्तरीय बोलते हैं, तो आधे शरीर पर जब कपड़ा होगा उसको अधो वस्त्र बोलेंगे, तो पूरे पर अधो और आधे पर, ठीक है, इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, विलोम। अब देखो लिखा है ना उत्तरी, नहीं, एक मिनट मैंने शायद गलत बता दिया, कंधे पर जो चीज़ रखी जाती है, हाँ देखो पूरे शरीर पर आ रहा था, सॉरी फॉर दैट, है ना, दिमाग में कुछ और चल रहा था। उत्तरी का जो अर्थ होता है वो पूरे शरीर पर कपड़े नहीं होता है, बल्कि कंधे पर रखने वाला वस्त्र होता है, ठीक है, जो कंधे पर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी बोलते हैं, और जो अधो वस्त्र होता है वो कंधे पर नहीं रखते हैं बल्कि नीचे पहनते हैं, तो नीचे क्या क्या पहनेंगे, धोती और लुंगी, इसी वजह से मैंने डाल दिया था इसकी एक्सप्लेनेशन, है ना, ताकि गड़बड़ हो तो अटली दिख जाए, तो उत्तरीय मतलब समझ गए ना, और अधो वस्त्र मतलब भी समझ गए, उत्तरीय मतलब जो कपड़े जो कंधे पर रखे जाते हैं, अधो वस्त्र जो नीचे पहने जाते हैं, ठीक है। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, लास्ट ही होगा शायद, हाँ लास्ट पे पहुंच गए, देख लिए हम लोग, 23 क्वेश्चन है, खाली कहने को 23 है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कम से कम 70-80 क्वेश्चन रहे होंगे, क्योंकि एडिशनल में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे। एकादेशीय है ना, एक देशीय का विलोम पूछ रहा है, तो कोई एक देशीय है या फिर सर्वदेशीय, मतलब जो एक सभी देशों से संबंध रख के उसको सर्वदेशीय, और जो एक देश से संबंध रखे उसे एक देशीय बोलते हैं, तो एक देशीय का विलोम क्या हो जाएगा, सर्वदेशीय हो जाएगा। आई थिंक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, तो ये थी गाइस विलोम शब्द, तो वो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट लगाया है इस वीडियो को बनाने के लिए, मेन होता है कंटेंट, मैंने कंटेंट पर बहुत काम किया है, कई जगह से मैंने कंटेंट को कलेक्ट किया, तब जाके ये विलोम शब्द की पूरी पीपीटी तैयार हो पाई है। पीडीएफ के लिए मैं अगेन कहूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ फ्री पीडीएफ शेयर करूँगा। ऐसे ही आप और भी मुझसे वीडियो चाहते हैं जो SSC GD और आपका यूपी कॉन्स्टेबल दोनों में टॉपिक आता हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं जितना हो सकेगा उतना आपके लिए एफर्ट लगाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।